नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अथ पंच पंचाशत्तमोध्याय पचपनवा अध्याय। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदल कर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मच्छ निगल गया। तदनंतर मच्छुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज्ज हास्य के साथ भौं मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभो आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से
रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित शिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रतनारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौंरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गईं। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुँची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने
कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूप रेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई बांह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थीं, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थीं, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थीं, वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारका वासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थीं और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। नारायण 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 नारायण।